हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं शांति पथ के ट्यूलिप फ्लावर्स देखने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम देखिए आप, ऊपर दिखाना जरा, ये देखिए मौसम, ये देखिए आप खूबसूरत ट्यूलिप्स। वाओ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये ट्यूलिप्स और ये पिंक कलर के फ्लावर्स। शांति पथ का ये नज़ारा है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं देखने के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये क्यारियां लगी हुई है, चारों तरफ ट्यूलिप्स के लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं कितना क्लीन रोड है, एम्बेसी एरिया है। और ये सर्बिया का बोर्ड लगा हुआ है, सर्बिया दूतावास का। और देखते हैं इधर कौन से ट्यूलिप्स लगे हुए हैं। ये देखिए आप, अभी खिल रहे हैं, ये पूरे खिले नहीं है ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स के अलावा भी यहाँ काफी सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पौधा होता है, इसी सीजन के अंदर ये आते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो मुगल गार्डन में ऐसे आपको काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार ये यहाँ पे भी डेवलप किए गए, पूरे शांति पथ में इस तरीके से दिखाए गए। और मौसम देखिए आप, क्या नजारा है। अभी मौसम जा रहा है इसलिए ट्यूलिप्स थोड़े थोड़े सूख चुके हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। ये देखिए छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये वाले फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे कोई बटरफ्लाई यहाँ बैठी हुई है। देखिए आप कितना खूबसूरत है ये देखिए, ऐसा लग रहा है कोई बटरफ्लाई बैठी है। दूर से मुझे ऐसा लगा बटरफ्लाई है, लेकिन ये फ्लावर थे। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या नज़ारा यहाँ है। वो पिंक वाले तो बहुत खूबसूरत है। ये और भी यहाँ ट्यूलिप्स हैं देखिए, जो अभी खिले नहीं है, खिलने वाले हैं। ये कलियाँ आप देखिए इसकी, ये सारे एक साथ खिल जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने अच्छे लगेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।